बांग्लादेश में तख्ता पलट, देश छोड़कर भागी शेख हसीना, पाकिस्तान क्यों मना रहा खुशी, भारत को कोसा, बांग्लादेश को बधाई, शेख हसीना के देश छोड़ने पर क्या है पाकिस्तान का माहौल, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि पिछले कई महीने से शुरू हुए आंदोलन ने सोमवार को इतना उग्र रूप ले लिया कि प्रदर्शनकारी ढाका स्थित प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़े और पीएम हसीना को आनन फानन में देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने कहा कि देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन होगा। लेकिन इन सबके बीच बांग्लादेश में मचे भारी उथल पुथल से पाकिस्तान के कुछ जाने माने लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं और वो शेख हसीना की सरकार गिरने का बेहद जश्न मना रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल वासिद ने शेख हसीना के पद छोड़ने की खबर सामने आते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर इस पर अपनी खुशी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की जनता को बहुत बहुत बधाई, इस चीज से प्रधानमंत्री मोदी और भारत बहुत परेशान होगा। ये सबसे पहले तो बांग्लादेश के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। शेख हसीना इत्तलात यही हैं कि वज़ीर आज़म जो थी बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंच चुकी हैं या पहुंच रही हैं। और इस वक्त जिस तरह मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत बहुत परेशान होंगे, बल्कि उन्होंने तो पिछले दिनों ये भी कहना शुरू कर दिया था कि सारा जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन हैं इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान जमात इस्लामी को भी सपोर्ट करता है और जो खालदा ज़िया की पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। चलिए, ये तो खैर जब तक आवाम न खड़े हों, किसी की सपोर्ट भी हो, मामलात आगे चलते नहीं हैं। तो पहले तो बांग्लादेश की आवाम को बहुत मुबारकबाद, गो कि मैं ये नहीं साउंड करना चाहता कि हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। इस बीच अब्दुल वासिद भारत को भी घसीटने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगा दिया कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को भारत का सैटेलाइट देश बना दिया और वो भारत के हाथों में खेलती रही। जब पाकिस्तान ने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत काजमी ने भी बांग्लादेश के संदर्भ में भारत को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया, कहा, जहां एक तरफ बांग्लादेश जश्न मना रहा है, वहीं भारत शेख हसीना के सत्ता से हटने पर शोक मना रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा ने भी शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने पर खुशी जाहिर कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, शेख हसीना ने बेहद खराब तरीके से अपने राजनीतिक पारी का अंत कर दिया। पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने भी लिखा, इस महिला ने सत्ता बचाने के लिए गैर जरूरी रूप से बल का प्रयोग किया, लेकिन जनशक्ति के आगे राजसत्ता को झुकना पड़ गया। इसके अलावा पाकिस्तान के जाने माने पत्रकारों ने भी शेख हसीना के सत्ता से हटने पर अपनी खुशी जाहिर कर दी। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।